भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, जो कई मायनों में खास है। ₹5,269 करोड़ की लागत से 14 लेन वाले 29 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, जो सिंगल पियर पर बना है और जिसकी कुल लेन की लंबाई 563 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे में देश की पहली 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन चौड़ी अर्बन टनल भी शामिल है। इसमें भारत का पहला 4 स्तरीय इंटरचेंज 2 जगहों और 3 स्तरीय इंटरचेंज 9 जगहों पर है। साथ ही प्रमुख इंटरचेंज एलिवेटेड सर्विस रोड से जुड़े हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसा शहरी एक्सप्रेसवे है जिसकी सर्विस लेन पर ही एंट्री पॉइंट का निर्माण किया गया है, जिससे ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। 8 लेन वाले इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3-3 लेन सर्विस रोड भी हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे में एलिवेटेड रोड की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है, जबकि लोगों की सुविधा और यातायात को सुगम बनाने के लिए इसमें 34 अंडरपास, 31 सुरंग और 12 रोड ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2,00,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित विश्व विख्यात आईफिल टावर से 30 गुना ज्यादा है। उसी तरह इसको बनाने में 2,00,000 क्यूबिक मीटर सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, जो बुर्ज खलीफा में प्रयोग किए गए सीमेंट से 6 गुना ज्यादा है। इससे दिल्ली और हरियाणा के